नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना सिंह। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लोकप्रियता बहुत ऊंचाइयों पर है, वहीं पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने कांग्रेस संगठन को खड़ा करने में पूरा जोर लगा रही हैं। महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न, बलात्कार और किसान आंदोलन को लेकर उनकी भूमिका बहुत ही प्रखर रही है। शायद ही कोई इस बात से इनकार कर सके कि उत्तर प्रदेश में मृत प्राय हो रही कांग्रेस को संजीवनी देने का काम प्रियंका गांधी ने किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ वो चर्चा में बनी रही। सियासत में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, जिसके लिए उन्होंने 40% महिलाओं को सीट देने का वादा किया। अब तक उत्तर प्रदेश में जारी हुई कांग्रेस की तरफ से सूची में 40% टिकट देकर ये वादा उन्होंने पूरा किया है और एक वादा पूरा करने वाली नेता की छवि बनाने में वो सफल रही हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा जैसे सवाल पर उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ अपने आप को पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और अब उनको राष्ट्र नेतृत्व के लिए तैयार किया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर शुक्रवार को तस्वीर साफ हो गई है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद के बारे में कयासों को विराम दे दिया। पत्रकारों द्वारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरा के बारे में पूछने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पष्ट कहा कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी और का चेहरा दिख रहा है? मेरा चेहरा हर जगह दिख रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। जहां तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में सवाल है, तो मेरा ही चेहरा सबसे अधिक दिख रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पंजाब में हमारी पार्टी के सभी नेता सामूहिक रूप से पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के प्रयास में लगे हैं। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के और मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार हैं। वो पूरा प्रयास करेंगे दोबारा अपनी सरकार बनाने का। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भाजपा के मंत्रियों को और विधायकों को तोड़कर अपने में शामिल कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों का अपने साथ बनाए रखने में पूरी कवायद कर रहे हैं। ऐसे में नारों के साथ और महिलाओं को 40% टिकट देने के आधार पर क्या प्रियंका इन दोनों को चुनौती दे पाएंगी? क्या राज्य और राष्ट्र के नेतृत्व के लिए राष्ट्र के लोग उनका चेहरा स्वीकार करेंगे? फिलहाल ये प्रश्न अनुत्तरित है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।